अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस रुशीद। बड़े दिन बाद ऐवान सियासत से एक अच्छी खबर आई है और ये कि हुकूमत और अपोजिशन आखिरकार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चीफ जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम के नाम पर मुत्तफिक हो गए हैं। जबकि साबिक वजीर आजम गिलानी भी ये कहते हुए वापस मुल्तान पहुँच गए हैं कि जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, जब उनको जबान मिली तो हम पर ही बरस पड़े। बहरहाल, पत्थर बरसें या ना बरसें, बात करते हैं तौहीन अदालत के नए कानून और सवालात की जो इस कानून के हवाले से पैदा हो रहे हैं। वो सवालात ये हैं कि क्या पार्लियामेंट तौहीन अदालत पर नया कानून ला सकती है? क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है जो आईन से मुतसादिम हो? पार्लियामेंट आईन साज इदारा है या कानून साज? सुप्रीम कोर्ट आईन की कस्टोडियन है या पार्लियामेंट? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे कानून को गलत करार दे सकती है जो आईन से मुतसादिम हो? और आईन की तशरी किसकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? इन सवालात के जवाबात के लिए हम बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन अब से कुछ देर के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहिल असगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रोहिल असगर साहब, आप क्या समझते हैं कि आईन बालादस्त है या पार्लियामेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, देखें, बात यह है कि अगर हर कोई अपने अपने इदारे इख्तियार में काम करे तो फिर उनकी बालादस्ती भी कायम रहती है और उनकी एहतराम भी कायम रहता है और फिर उनकी मजबूती भी कायम रहती है। लेकिन जब आप किसी भी जगह पर ये महसूस करें कि भई आप अपने ज़ाती मफादात को उस अदारे को आप इस्तेमाल करें तो फिर ये सारी बुराइयाँ खराबियाँ शुरू होती हैं। अब जैसे आप जिक्र कर रही थी, सिर्फ अगर आप अमेंडमेंट की बात करती हैं तौहीन अदालत का, तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और बीसियों ऐसे मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस करें, जिनको आप देखें, जिनको आप सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आप इसकी बेसिक में यहाँ पे चले जाएं तो फिर सामने तो नज़र ये आता है कि आप कहते हैं कि आप अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन आप एक ऐसा कानून वज़ा करना जा रहे हैं जो कि मसरीहन गलत, मेरी नज़र में गलत है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो बहरहाल उसको सपोर्ट करेगी, उसके अलाइज भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो चीज़ उनको सपोर्ट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनके जो भी इतिहादी हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यही सवाल जरा शर्जील इनाम मेमन साहब के पास जरा हमें ज्वाइन कर लें, फिर उनसे भी पूछूंगी, क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून या कानून साजी कर सकती है ये भी बता दीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आईन से मुतसादिम हो। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। फॉर्मर चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान, जो कि डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के बड़े मंजूर नज़र थे और समझा जाता था कि वो उनके काम करते हैं उनके लिए, उन्होंने अपने जितने फैसले किए, उन्होंने परवेज मुशर्रफ को डेमट्री देने के लिए, उनको तहफ़ देने के लिए, वो सब कुछ, लेकिन उस अपने एक फैसले में उन्होंने ये बात वज़ा कर दी और बड़ी तफसील के साथ लिख दिया कि आप बेसिक्स को नहीं छेड़ सकते, जो जो आपके आइन को तोड़े या आइन के खिलाफ जाए, मुतसादम हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो उस वक्त का दौर था जब डिक्टेटर था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी ये बात वजह कर दी थी। और अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में अब मामलात बड़े अजीब हैं। इंडिया की तरफ देख लें, अमेरिका की तरफ देख लें, तो जो आइन से मुस्तादम कानून आप बनाएंगे, बेशक के आपके पास अधिक तदाद आपके वहाँ मौजूद है, आप बुलडोज कर देंगे, हम उस पर एहतजाज भी करेंगे, हम उस पर दलाइल भी देंगे, उस पर तकरीर भी करेंगे, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं वो इस पार्लियामेंट के लिए भी तौहीन है और ये अदालतों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद चूँकि अलाइज उनके साथ हैं, नंबर गेम उनके साथ हैं, चाहे आवाज़ उनकी नीची होगी लेकिन चूँकि स्पीकर भी उनकी है तो वो उसको कैरी ऑन कर देंगे। लेकिन देखना यह है कि इससे आपके अदारों के कैसे उनकी एहतराम कैसे रह जाएगा फिर? तो फिर तो ये होगा कि जो मर्जी आप जिसका जी चाहेगा, जो मर्जी करते, देखना ये है कि फिर वो एहतराम कहाँ रह जाएगा। लेकिन जैसे कि पीपल्स पार्टी ये कहती है, इनका ये मौकफ सामने आता है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, आईन में तरमीम कर सकती है, चूंकि ये कहते हैं कि पार्लियामेंट आईन साजी कर सकती है, तो फिर इनके जो गैर आईनी इकदाम है रोहिल असगर साहब,
उन्हें कहां चैलेंज किया जा सकता है? वो देखें, वो बात तो वही आ जाएगी ना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला दे देगी, और फिर ये देखें ना, फिर उसमें ये होगा कि किसी वर्द वाहद का तो नहीं, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन होगी ना कि पार्लियामेंट ने वो फैसला किया ना, बेशक के जे चाहे कि हमारा उस पर एक रिजर्वेशन होगी, पार्लियामेंट के बैठे हुए अराकीन उस पर इख्तलाफ करेंगे, लेकिन चूंकि हुकूमत वक्त उसको फैसला करने के बाद, जब वो फैसला करने के बाद पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या उसको आप लॉ बना देंगे, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जब उसको टर्न डाउन करेगी, तो ये किसी इनफरादी शख्सियत का ये नहीं अमल होगा, ये तो पार्लियामेंट की फिर मेरे ख्याल में बड़ी सख्त तोहीन हो जाएगी, गलती हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें वो दोहरी शरीयत के हवाले से जब बात हुई कि उसके हवाले से कानून साजी कर रहे हैं, तो वो तो पता चला कि फंक्शनल लीग और एएनपी ने मुखालफत कर दी है, कुछ रिजर्वेशन शो कर दिए हैं, लेकिन ये जो तौहीन अदालत के हवाले से कानून साजी कर रहे हैं, तो इसमें तमाम इनके टीम के साथ हैं, इनके पास वोट्स पूरे हैं, तो पारस बात मैं वही कर रहा हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं या हुकूमत का मजा ले रहे होते हैं, आप उसमें सबके कॉमन इंटरेस्ट हैं, उसमें सब कॉमन इंटरेस्ट हैं। अब इतनी जल्दी क्या है, मतलब इतनी जल्दी मुझे जो नजर आ रही है, जल्दी जो नजर आ रही है, चूंकि 12 तारीख को ये केस है, और दूसरे जो आपके वजीर आजम साहब हैं उनसे पूछा जाएगा कि आप खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस पर अब ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल तो ऑलरेडी हो चुका है, उस पर जितनी आपकी एविडेंस थी वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ट्रायल कम्प्लीट हो, अब तो सिर्फ हाँ या ना में होगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 तारीख को ये फैसला होगा, इसीलिए जल्दबाजी में ये सब काम किया जा रहा है। आप देखें ना, उस पर जो दोहरी शहरियत का बिल था, उस पर चूंकि कुछ लोगों का ड्यू नेशनैलिटी में लोगों का इख्तलाफ था, उस पर भी चंद लोगों को आप सिर्फ एक शेल्टर देने के लिए या तहफ़ देने के लिए वो बिल ला रहे थे और आइन में अमेंडमेंट कर रहे थे, और वो आइन जिसको ये बड़ा फख्र से कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दस्तावेज है, उन्होंने ये इसको आइन को मुकम्मल किया, उसको आप बदलने जा रहे थे। और जहाँ तक ये मैं आपको अर्ज कर दूँ, ये तो मेरे ख्याल में मेल एफ आई डी है, और ये मेल एफ आई डी एक्ट जो है वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। मुझे जो इस पर सबसे बड़ा जो मंजूर हो जाती है, इत्तेजाज करेंगे, हम अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, आप क्या करेंगे? जी मैं आज कर रहा हूँ कि हम इस पे अपना एहतजाज करेंगे, हमारे आज अपोजिशन लीडर जो हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब, वो इस पे अपना एक पार्लियामेंट के अंदर एक बयान देंगे, और उसके बाद हम उस पे अपना सख्त रवैया अख्तियार करेंगे कि हम इस किस्म के कानून के सख्त खिलाफ हैं, ये कानून नहीं होने चाहिए जिससे आपकी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती ना रहे या पार्लियामेंट की तौहीन। ठीक है, हाँ, अच्छा, अगर मैंने वही अर्ज किया ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है, टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, तो इनसे भी जरा मैं बात कर लेती हूँ। शजीर नाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पारस साहब, आप क्या समझते हैं, आइन बालादस्त है या पार्लियामेंट? यही पहला सवाल मैंने शेख रोहेल असगर साहब से भी किया था, और ये मैं आपसे भी करना चाहूंगी। देखिये, पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त इसलिए है कि आइन पार्लियामेंट बनाता है, जजेस बैठ के आइन नहीं बनाते जी। और जो लोग ये कहते हैं, और मैंने कल सुना है कहीं पे कि शायद ये फरमाया गया है कि अब दुनिया में जो है वो पार्लियामेंट से ऊपर आइन को लाया जा रहा है, और आइन को पार्लियामेंट की जो है वो वैल्यूज कम हो रही है, मेरे ख्याल से ये एक आमिराना सोच है, और जिसको आमिराना सोच जहन में होगी वो इस तरह की जो है गैर जमहूरी बातें कर सकता है। देखिए, आइन जो है वो आइन बनाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, अच्छा। कोई जजेस बैठकर आइन नहीं बनाते, और पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, और अगर किसी को ये शक है या किसी के दिमाग में ये हवा है तो उसको हवा निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो 18 करोड़ आवाम का है, और 18 करोड़ आवाम, आपने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है जो आइन के मुतसादिम हो?